देखिए, कल इस देश ने लूट और झूठ का एक बेशरम तमाशा देखा। एक आदमी जो चोरी, शराब की दलाली, कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी के मामले में जांच के लिए सीबीआई के सामने बुलाया जाता है, वो बाहर निकलता है और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों के अधिकारियों के बारे में झूठे बयान देता है। ये कोई साधारण मामला नहीं है। देश की जांच एजेंसी के बारे में एक ऐसा व्यक्ति जो आरोपी है, जांच के अंदर है, जिसके ऊपर उंगली उठी हुई है, कटघरे में खड़ा हुआ है, वो अपने ही जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर रहा है। इसको सीधे सीधे जांच को प्रभावित करने की कोशिश, भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने की, रोकने की, उसमें बाधा बनने की एक बेशरम निर्लज्ज कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। पहले लूट और उसके बाद झूठ। आज मैं यहां पर मनीष सिसोदिया को एक खुली चुनौती, एक चैलेंज देने के लिए आया हूं। मनीष सिसोदिया, अगर आपने सीबीआई के बारे में, जांच एजेंसी के बारे में कल जो बयान दिया है, या तो माफी मांगकर उस बयान को वापस लीजिए, वरना आज शाम 5 बजे तक पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने ये कहिए कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। मनीष सिसोदिया जी, आज शाम 5 बजे तक देश को ये बताएं कि क्या वो अपने बयान पर टिके हुए हैं, क्या वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट इसके लिए तैयार हैं। कैमरे के सामने नार्को टेस्ट, इसकी चुनौती मैं मनीष सिसोदिया जी को देता हूं। आप बैठिए, आप सामना कीजिए, टेस्ट का सामना कीजिए, जांच का सामना कीजिए। इस प्रकार से आप देश की जांच एजेंसियों के खिलाफ सफेद झूठ नहीं बोल सकते।